टीडीआई स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर निधि शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगी कि हाउ टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन। आप हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल्स या आयंस के लिए कैसे निकाल सकते हैं, एक बहुत ही आसान सा तरीका जो मैं आज आपको बताऊंगी। सिर्फ हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मॉलिक्यूल है या आयन, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि 2 से ज़्यादा है और 8 से कम है तो हम डिवाइड करेंगे उसको 2 से, 8 से ज़्यादा है और 56 से कम है तो हम उसे डिवाइड करेंगे 8 से, और 56 से ज़्यादा है तो हम उसे डिवाइड करेंगे 18 से। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम CO2। CO2 में देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखिए कार्बन में 4 होते हैं, जानते हैं आप, 1s2, 2s2, 2p2। तो s2s2, 2p2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से कहलाएंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन में 6 होते हैं और 2 एटम है तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने हो गए, 16। तो 16 किस रेंज में आ गया, 8 से लिखे 56 में, तो हम डिवाइड किससे करेंगे उसको, 8 से, 8 2 16, तो ये कितना आया, 2। ये 2 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हम देखेंगे CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 2 ऑर्बिटल हैं, तो 2 ऑर्बिटल हैं तो क्या है, एस में 1 ऑर्बिटल होता है हम जानते हैं, पी में 3 होते हैं और डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, हमारी कितनी संख्या आ रही है, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, एस पी, एक एस और एक पी, एस पी हाइब्रिडाइजेशन। और आप जानते भी होंगे CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, तो क्या हो गया ये लीनियर स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन एस पी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम BCl3। BCl3 में देखेंगे हम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरोन में है 3, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2, 2p1, तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 2s2, 2p1, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। Cl में आप जानते हैं 7 होते हैं, 3 एटम्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 3, तो टोटल कितने हो गए, 21 प्लस 3, 24 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, 8 3 24, तो कितना आया, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से CH4 वेल नोन एग्जांपल है आपके लिए, जानते हैं आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो हम इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, कार्बन के 4, हाइड्रोजन का 1, 4 एटम्स है मल्टीप्लाइड बाय 4, 8। अब 8 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8, कितना हुआ, 4। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए, 4। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, 4 ऑर्बिटल्स हैं तो s का 1, p के 3, तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लेते हैं आयन का, मॉलिक्यूल्स का तो हम ले चुके हैं, अब हम आयन का लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाए। अब देखिए आयंस का जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो एक बात का ध्यान रखते हैं, अगर एनायन है, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हम उसे जोड़ देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं। अगर कैटाइन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, उनको 2 को माइनस कर देंगे, जो भी चार्ज है उसके ऊपर पॉजिटिव हम उसे माइनस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से, क्योंकि वो प्लस चार्ज आता ही तब है जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो सल्फेट की हम काउंट करते हैं, 6 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में भी 6 है, 4 एटम्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 4, माइनस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 32, 32 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 4 32, तो कितने हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, तो CH4 में भी sp3 है और सल्फेट आयन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और हम क्लियर कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, PCl5, ClF3। PCl5 में देखेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फॉस्फोरस में आप जानते हैं 5 होते हैं, Cl में 7 होते हैं मल्टीप्लाइड बाय 5, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 40। और ClF3 के भी काउंट कर लेते हैं, Cl के 7 प्लस 7 × 3 कितने हो गए, 28। अब हम यहाँ देखेंगे 40 को डिवाइड किससे करना है हमको, 8 से, 8 5 40, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d, 1
और 3 4 और 1 5 sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन। clf3 के देखते हैं हम 28 है, डिवाइड किससे करेंगे 28 को, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24 बचे कितने 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसको 2 से, 2 2 4 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए 3 प्लस 2 5, तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 हो गए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d। एक और ले लीजिए एग्जांपल sf6, sf6 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 प्लस 7 × 6 इज इक्वल टू 48। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 48 को किससे डिवाइड करेंगे हम 8 से, 8 6 48, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा 6, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d2। तो आपको, मुझे उम्मीद है आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया होगा, इतना आसान तरीका है कि आप एक दो प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम देखते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए, हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लोन पेयर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स माइनस सराउंडेड एटम्स। सराउंडेड एटम्स कौन सा, जो इसका सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग कितने एटम्स हैं, तो निकल आएंगे लोन पेयर की संख्या। लेते हैं हम NH3। अब NH3 में हम देखेंगे, पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, N में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 प्लस 1 × 3, टोटल कितने हो गए 8। अब 8 को आप किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 8, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका sp3। अब हमें निकालना क्या है, इसका लोन पेयर निकालने हैं। लोन पेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं 4 माइनस सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम नाइट्रोजन के सराउंडिंग कितने हैं, हाइड्रोजन 3 है, तो -3 इज इक्वल टू 1। तो NH3 में क्या है 1 लोन पेयर है। और आप इसका स्ट्रक्चर जानते भी हैं, NH3 को कैसे हम करते हैं N और एक लोन पेयर। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम H2O, H2O, H2O में देखेंगे हम कितने हैं लोन पेयर H2O। पहले आप इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं कितने हो गए 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6, टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 डिवाइडेड बाय वही 2 से डिवाइड करेंगे 4। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें लोन पेयर निकालने, तो लोन पेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस ये माइनस सराउंडेड एटम्स। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं 4 माइनस सराउंडेड एटम्स कितने हैं 2, तो लोन पेयर कितने हो गए 2। आप जानते भी होंगे इनके लोन पेयर कितने होते हैं, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं PCl5 में, PCl5 में कितने हैं, PCl5 आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसका sp3d, अभी हमने निकाला था। अब इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए 1 3 4 और 1 5 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, तो PCl5 में लोन पेयर कितने हैं 0। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं ज़ीनॉन का, HCOF2, HCOF2 इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कितना है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8 प्लस 6 प्लस 7 × 2, तो कितने हो गए 28 इलेक्ट्रॉन्स, 28 इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे डिवाइड करेंगे 8 से, कितना आ गया 3 प्लस 2 5, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए इसका sp3d।
हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें हमें देखने हैं लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 हो गए माइनस सराउंडिंग एटम्स, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं 3, तो कितने हो गए लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर्स हो गए। अब एक एग्जांपल और ले लीजिए, XeO3 में देखेंगे हम कितने लोन पेयर हैं, XeO3 में कितने लोन पेयर हैं, पहले हम इसके देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 प्लस ऑक्सीजन कितने होते हैं 6 मल्टीप्लाइड 3, कितने हो गए ये, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 26, 26 डिवाइडेड बाय 8 ये क्या हो गया 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और लोन पेयर इज इक्वल टू कितने हो गए, लोन पेयर कितने हो गए, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 माइनस कितने सराउंडिंग एटम्स हैं इसमें 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो इसमें कितने हो गए लोन पेयर, 1 लोन पेयर, इसमें कितने हैं 1 लोन पेयर। और आप जानते भी होगी स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, Xe एक लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज़ीनॉन के पास, 2-2 यहाँ हो गए 6 इलेक्ट्रॉन और 1 हो गया लोन पेयर। तो आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा लोन पेयर कैसे निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है। चलिए, थैंक यू सो मच।